यहाँ से स्टार्ट होता है भाई, भारत का अंतिम गांव माना, और यहाँ से आती है भाई हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, इसे कहते हैं भाई भीमशिला। जो ये पत्थर है बड़ा सा, हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, ये आपका अपना चैनल वेदी व्लॉग्स और मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई तैयारी हो गई है और अब जाएंगे माना गांव, जो हिंदुस्तान का लास्ट गांव है, तो बस वहीं की तैयारी है। और देख लीजिए एक बार लास्ट बार खूबसूरती बद्री विशाल जी की, बद्रीनाथ धाम की, और हेलीकॉप्टर हो रहा है, हेलीकॉप्टर वो केदारनाथ यात्रा करा रहा है श्रद्धालुओं को। और बस अब निकलते हैं भाई माना गांव के लिए। आने से पहले भाई मैं बता देता हूँ कौन से आश्रम में रुके थे हम। भाई वेदांत कुटीर आश्रम बद्रीनाथ से 500 मीटर पहले हैं, और ये हमारे गुरुजी, ये भाई हमारे गुरुजी, इनका आश्रम है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है भाई भारत का अंतिम गांव माना। स्वागत कर रहे हैं हमारा, ये जो गांव बसा है भाई माना गांव, ये 10,133.5 फीट ऊपर की ऊंचाई पे बसा है। चीज़ देखिए भाई, मैंने मतलब धार्मिक स्थान पे जैसे बद्रीनाथ हो गया या माना गांव हो गया, मतलब जो बुजुर्ग आदमी जिनसे चढ़ाई नहीं होती तो वो तो मतलब वो कर सकते हैं, जो पीछे बैठा के ले के जाते हैं जैसे ऐसे वाले, तो जवान जवान है जो चढ़ सकते हैं, वो क्यों मतलब पैसे की चढ़ाई के चक्कर में, मतलब पैसा सब कुछ हो गया क्या, खुद को कष्ट दे लो, चल सकता है वो तो चलो। ये तो जो आपको दिख रही है भाई, ये तो है सरस्वती नदी, और जो वहाँ दिख रही है यहाँ, वो है अलकनंदा नदी, दोनों का संगम यहाँ होता है। सरस्वती नदी यहाँ तक लास्ट दिखती है, फिर अलकनंदा में मिलके और अलकनंदा नदी बन जाती है, लुप्त हो जाती है, खो जाती है, खो खो। देखो भाई पहाड़ की ऊंचाई देखो आप, एक पहाड़ है पूरा और इसकी ऊंचाई देखो, मतलब जहां तक नजर जाएगी वहां तक पहाड़ दिख रहा है, और बिल्कुल सफेद पानी है, बिल्कुल सफेद। ये है भीमशिला, और इसका भाई एक रहस्य है, जो मतलब पांडव स्वर्गारोहिणी जा रहे थे तो उनके साथ द्रौपदी माता थी, तो द्रौपदी माता ने बोला था कि मेरे से ये पार नहीं होएगा पुल, तो भीम ने ये भीमशिला को उठा के यहाँ रखा था, तब उन्होंने द्रौपदी माता ने पुल क्रॉस किया था। वही है वो सरस्वती नदी, मतलब यहाँ पे ही दिखती है, और फिर ये आगे जाके अलकनंदाएँ मिल जाती है, और फिर ये बाकी की इलाहाबाद में दिखती है, और यहाँ से आती है भाई हिंदुस्तान की आखिरी दुकान चाय की। 1962 से ये आपकी सेवा में है, और एक वो भी अंतिम दुकान है, तो आप खुद देख लेना कि अंतिम दुकान कौन सी है, बहुत कंफ्यूज है। आप अगर यहाँ तक आए गए हो ला हिंदुस्तान की अंतिम दुकान तक, तो फिर भाई वेद व्यास जी के अनुसार सरस्वती जल को या तो पूजा करनी चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पूजा करो, क्योंकि उनसे उनके वंश में जहाँ तक भी है सभी लोग बुद्धिमान रहेंगे, तो भाई और शुद्धिकरण में विद्या का बुद्धि के प्रयोग आता है, तो भाई इस चीज़ को समझे और भाई जरूर स्पर्श करें, यहाँ हम भी करेंगे भाई। यहाँ से आए हैं और वहाँ लिखा हुआ था हिंदुस्तान की लास्ट स्टॉप, पहले वही थी लास्ट स्टॉप, लेकिन अब इन्होंने खोके डाल दिए और यहाँ भी लिख दिया हिंदुस्तान की लास्ट स्टॉप। तो हिंदुस्तान की लास्ट स्टॉप कितनी है, कम से कम 10-15। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कि जो अधिकतर फोटो देखे होंगे आपने फेसबुक इंस्टा पे, वो यहीं की होती हैं, और वीडियो भी, क्योंकि यहाँ अलग से एक बैनर लगा रखा है और शॉप वहाँ है, लेकिन बैनर पे खिंचवाते हैं लोग, चाय कोई नहीं लेता क्योंकि पैसे लगते हैं। बात तो सही है। ये चाय की दुकान के जो पीछे रास्ता जा रहा है, वो जा रहा है वसुधारा, शस्त्र धारा और स्वर्गारोहिणी, मतलब जहाँ स्वर्ग का द्वार है और जहाँ हजार झरने हैं, मतलब लेकिन मना कर दिया हमारे वाले साथियों ने कि नहीं जा रहे आगे,
लेकिन भाई आप आओ तो भाई थोड़े से परेशान होगे, लेकिन भाई मज़ा आ जाएगा क्योंकि YouTube पे वीडियो भी देखेंगे। मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन मेरे को बताया था, बात की थी मैंने किसी से, तो उन्होंने बताया था कि आगे मतलब एक वो झरना है वसुधारा में, आप खड़े रहो 100 फीट ऊपर से पानी गिरेगा, और अगर आपने कुछ गलत काम कर रखा है तो वो आपके पाँव ऊपर पानी नहीं गिरेगा, और आप अगर साफ सुथरे हो अच्छे मन से हो तो आपके ऊपर पानी गिरेगा। अरे ये तो जादू है। ये कच्चा रास्ता है भाई नीचे जाने का, जिसको स्नान करना हो या सरस्वती जल को स्पर्श करना हो, पूजा करनी हो, ये यहाँ से बिल्कुल छोटा सा हल्का सा रास्ता है। और भाई जिसको स्विमिंग आती है भाई, ज़्यादा मतलब ये मत सोचना कि हाँ स्विमिंग आती है तो हाँ तैर लूँगा मैं, लेकिन बहुत तेज़ पानी है भाई, तो अपना यहाँ पे आके थोड़ा सा जल स्पर्श और नहा सकते हो आप। स्नान करके आए भाई और बहुत ठंडा पानी था, एक बार तो सिर मतलब सुन हो गया, सब कुछ सुन हो गया था। और भाई अभी भी कर रहे हैं स्नान, मज़ा आ गया यार। लेकिन अब जो फीलिंग है ना, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ऑसम फीलिंग, ऑसम। इसे कहते हैं भाई भीमशिला, जो ये पत्थर है बड़ा सा, ये है वो भीमशिला, और फिर आगे तो चाय की दुकान और वसुधारा सत्तरधारा आ जाती है। स्नान करने के लिए उतरना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट है लेकिन इतना नहीं है, चढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। सांस चढ़ी है भाई, ज़्यादा टाइम भाई, एक शानदार नज़ारा दिखा है, देखो अगर आपको दिख रहा हो तो, रेनबो बना हुआ है आप देख सकते हो, और ये गाइड हैं जो बता रहे हैं, और ये सरस्वती मंदिर का निर्माण हो रहा है, और देखो आते टाइम या आते टाइम आप सरस्वती माता जी के दर्शन भी कर सकते हैं। चेहरा सी हल्की सी नीचे है, सरस्वती माँ विराजमान है, तो आप दर्शन करके जरूर जाना। ये है हमारे शंभू बाबा का धुना, जय श्री शंभू हर हर महादेव। थाना की मार्केट की एक बात खास है भाई, यहाँ पे मतलब जितने भी मार्केट शॉप हैं वहाँ आपको हाथ से बनी हुई चीज़ें मिलेंगी लगभग, जैसे लगा लीजिए स्वेटर कैप, देखो ऐसे हाथ से बनी हुई मिलेंगी, और यहाँ की कमाई जो है इन्हीं से है, जैसे जो शॉप हैं, क्योंकि ये 15-20 दिन में सब नीचे चले जाएंगे, इससे बिल्कुल सीज हो जाएगा, यहाँ आर्मी आ जाती है, तो इनकी कमाई इन्हीं से है भाई। ये रास्ता है वेद व्यास जी की गुफा का और गणेश गुफा का, बिल्कुल हल्का से ऊपर है, तो आप देख सकते हो हम आ भी गए, जैसे ही ऊपर चलोगे तो हल्का से ऊपर है भाई, दर्शन कर सकते हो आप। ये गणेश गुफा है और आगे वेद व्यास गुफा है, यहाँ आप इनकी पारंपरिक वेशभूषा में भी सेल्फी ले सकते हैं। हम आ गए हैं वेद व्यास जी की गुफा के सामने, और यहाँ फिर दिखे भारत की आखिरी की चाय की दुकान, आखिरी कितनी चाय की दुकान है वो ही नहीं पता चल रहा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। यहाँ विदेश से भी लोग आए हुए हैं, तो आप मानता देख सकते हो, व्यास जी की गुफा के सामने कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। श्री वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया तथा 17 पुराणों को लिखा, महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया, इसके बाद श्री आत्म संतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वां पुराण श्रीमद् भगवत पुराण की रचना की। जय हो वेद भगवान की जय हो। लोग भाई हमारी संस्कृति भूल रहे हैं, लेकिन इस बात को देख के अच्छा लगता है कि बाहर विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ, वो हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, और यहाँ के संस्कृति भूल रहे हैं, और ऊपर से मतलब चोड़ में फ़ोटो तरवाते हैं। अच्छी बात है तरवाइए, लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलिए, जब बाहर के लोग नहीं शर्मा रहे तो आप क्यों शर्मा रहे हो। वेद व्यास जी की गुफा से आते टाइम भाई लोकेशन है 1 नंबर की फ़ोटो उतरवाने की, ये छोटी गुड़िया भी फ़ोटो उतरवाएगी, हेलो गुड़िया हेलो, कितनी प्यारी गुड़िया, गुस्से में है लेकिन। भाई ये स्थान है भाई हमारे प्रिय भोले बाबा के प्रिय पुत्र श्री गणेश जी का, गणेश जी की गुफा का, और यहाँ कुछ लिखा भी हुआ है। ये वो जगह है भाई जहाँ व्यास द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था ब्रह्मा जी की प्रेरणा से,
व्यास जी ने श्री गणेश का स्मरण किया था। गणनाए आप मेरे द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। महर्षि की बात सुनकर श्री गणेश जी ने उत्तर दिया, व्यास जी यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखिएगा। श्री गणेश जी ने व्यास जी के अनुग्रह से महाभारत जैसा लोकपावन ग्रंथ रतन जगत को प्राप्त हुआ। यहाँ श्री गणेश जी के दर्शनों से विघ्नों का नाश होता है, तो आइए आप और अपने विघ्नों को दूर कीजिए गणेश बाबा के दर्शन करके। भाई चाइना बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, नक्शा देख सकते हो आप। श्याम बाबा को दर्शन कराते हुए इस वीडियो में आपने देखा भाई, माना गांव, सरस्वती नदी, गणेश गुफा, वैद्यनाथ जी की गुफा और भाई भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई से अपना प्यार दें और सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स को। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय बद्री विशाल।